नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बलिया में बीते कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अश्लील गाने पर एडिट किया हुआ वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद बलिया पुलिस ने मामले में शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक कार्यकर्ता के द्वारा नेता प्रतिपक्ष और सम्मानित राहुल गांधी का एडिट किया हुआ वीडियो अपने निजी फेसबुक अकाउंट से वायरल किया गया। आरोप लगाया कि साजिश के तहत भाजपा ऐसी वीडियो वायरल कर बदनाम करने का प्रयास कर रही है, जिसे लेकर आज बलिया जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक के निर्देशन पर कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश उपाध्यक्ष मुन्ना जी और ओम प्रकाश तिवारी पूर्व प्रत्याशी नगर विधानसभा के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की फेक अश्लील वीडियो के विरोध में कोतवाली बलिया में राहुल आरडी फेसबुक आईडी जो कि नगर संयोजक इटसेल बीजेपी के विरोध तहरीर कोतवाल बलिया को दिया गया। पेशे बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। देखिए, जिला अध्यक्ष के निर्देश पर चूँकि वर्तमान में अभी जिला से बाहर है वो, तो उन्होंने निर्देश दिया हम लोगों को। मैं नगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ, अपनी नाम उपाध्याय जी है, संगठन प्रभारी हैं किस पार्टी के, और ये फेक आईडी बना करके और राहुल गांधी के चरित्र को हनन करने का भाजपा आईटी सेल के लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें उन्होंने किसी नाचने वाली के साथ अभद्रता से उन्होंने वीडियो डाला है, और दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी एक शब्द बोल दिए तो उनकी सदस्यता चली गई, और ये लोग कुछ भी कर रहे हैं न एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग आज इस मामले पर FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं। अगर FIR दर्ज कल तक नहीं होता है तो परसों से हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, घेराव करने का काम करेंगे। किसके द्वारा जो है ये वीडियो वायरल किया गया है, कौन है वो? विवेक ओझा, जिला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। राहुल आईडी नामक आईडी है जिसपे अविनाश चंद तिवारी नगर संयोजक भाजपा आईटी सेल लिखा है। उस आईडी द्वारा उसके स्टोरी में फेसबुक पे 20-22 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें राहुल गांधी का कुछ आपको एडिट करके अश्लीलता पूर्वक उनका एक वीडियो चलाया जा रहा है। उसी वीडियो के संदर्भ में हम लोग अभी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आए थे और उस पर FIR दर्ज करने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए, तहरीर दिए। कोतवाल साहब ने कहा कि कल तक वो FIR उस पर जाँच करके दर्ज कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले भी जो है योगी आदित्यनाथ का भी इसी तरीके से एक एडिट वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें FIR दर्ज किया गया था। फिर आपके द्वारा राहुल गांधी को लेकर भी आज शिकायती पत्र थाने पर दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस तरह की देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने में उस्ताद है, वो फेक और झूठ की राजनीति करती है। उनके कार्यकर्ता इस तरह का हमेशा षड्यंत्र गांधी परिवार को, देश के कांग्रेस पार्टी को लेकर तरह तरह का षड्यंत्र, उनके शीर्ष नेतृत्व जब करता है तो जमीन पर उनके कार्यकर्ता उसी का अनुसरण करते हैं। ये उसी का परिणाम है कि हमारे नेता को लेकर तरह तरह के फेक वीडियो वायरल और तरह तरह की टिप्पणियां की जाती है, जिसका जमीनी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, उन लोगों का नित्य प्रतिदिन कार्य है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का चरित्र हरण करना। ये किस तरह का वीडियो वायरल किया गया? इसमें एक अश्लील तरीके का एक किसी नृत्यगनी के साथ उनका वीडियो वायरल डाला गया है, जो कि भाजपा आईटी संयोजक की आईडी से डाला गया है। जो आईडी से इसके पहले भी तमाम तरह के हम लोगों ने जब देखा उस आईडी के बारे में, तो देखा कि इसके पहले भी कांग्रेस को लेकर तमाम तरह के भ्रामक और अश्लील पोस्टें की गई हैं। उनकी तस्वीर पे, उनके वॉलपेपर पे माननीय मंत्री और बलिया नगर के विधायक के साथ जयशंकर सिंह जी के साथ उनका तस्वीर है, और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, जिला स्तर के नेताओं के साथ उनकी तस्वीर है। क्या क्या मांग करते हैं? हम लोग उन पर उचित FIR दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई, उनकी आईडी को प्रतिबंधित किया जाए। और देश के नेता राहुल गांधी केवल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, राहुल गांधी हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है। उसके को देखते हुए, उस पद की गरिमा को देखते हुए, और हमारे आदरणीय नेता के विरुद्ध इस वीडियो को डालने वाले के विरुद्ध उनकी सूचित कानूनी कार्रवाई की जाए और आईडी को प्रतिबंधित किया जाए, जिसके को देखते हुए आगे से इस तरह की कोई भी पक्ष हो, चाहे इस पक्ष के लोग हो चाहे उस पक्ष के लोग हो, कोई भी इस तरह की किसी भी नेता या किसी भी पार्टी का चरित्र हनन या किसी भी तरह का अफवाह फैलाने से एक बार डर है।